अच्छा ईशा, आपने माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त और सीनियर एंड वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के साथ काम किया है। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगी, क्योंकि मुझे याद है आप कही थी कि आप जब लोगों को देख रही होती हैं तो आप पिक कर रही होती हैं चीज़ें, तो मैं नाम लेती हूँ, ठीक है, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने इनमें से किससे क्या सीखा है। यू नो, जैसे आयज़ा खान, जब पहली बार मिली तो क्या इंप्रेशन था और क्या सीखा आपने? वो मुझे बहुत मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करके, और उनसे ये कि वो जब डायलॉग बोल रही होती है ना, उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी मूवमेंट भी बहुत अच्छी होती है। ओके, सो यू पिक्ड अप के मूवमेंट और डायलॉग को कैसे? डायलॉग्स तो मैं मूवमेंट में उनसे थोड़ी सीख रही हूँ। जब चुपके चुपके की कास्ट का देखा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो क्या दिमाग में चल रहा था? आया कि अच्छा, ज़्यादा टेंशन नहीं थी, बिकॉज मुझे बड़ी ना चिल लग रही है, मुझे अरीशा लग रही है, अरीशा को कोई फर्क नहीं, अरीशा बड़ी चिल लग रही है, तो क्या था कि हाँ सही है, मैं जाऊँगी, बस मुझे एक्टिंग करनी है, या यू वर लाइक एक्साइटेड कि अच्छा ये भी है, मज़ा आएगा इन दिस एंड दैट? कास्ट और डायरेक्टर तो वैसे उनके साथ तो बिल्कुल चिल ही होता है इंसान, तो इसलिए मैं अभी भी चिली हूँ उनके। तो डायरेक्टर होता है ना, एक सबसे वो होता है कि तो अगर आप उनके साथ कम्फर्ट हो तो आप पूरी इंटायर टीम के साथ कम्फर्ट हो। जब टीम को देख रही थी तो एक्साइटेड थी, डायरेक्टर को देख रही थी तो कंफर्ट थी, और फिर जब मामा बाबा थे तो फिर और कंफर्ट हो गई, मतलब मामा थी जब। तो फिर आयजा से जब पहली बार मिली तो क्या इम्प्रेशन हुआ, क्या सोचा, क्या था? मैं एक बस ऐसे थी। ओके अच्छा, आपको पता था अरसलान का? आप उनके कॉमेंट्स फॉलो करते थे? अरसलान भाई, अल्लाह ताला, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ। बहुत अच्छे हैं वो। क्या करते थे, मजाक करते थे आपके साथ? वो मुझे उनकी बात, जब हमारा सीन होता था तो वो कहते थे बच्चे ये आपके साथ मेरा सीन है, तो फिर ये वाला बहुत, बच्चे ये आपके साथ सीन है, तो फिर मजा आता था उनके साथ जब भी जाते थे, वो बच्चा आ जाता था जहन में, बच्चे ये वाला सीन, ये वाला डायलॉग, ये वाला डायलॉग आ जाता। और उसके बाद जाके उनको फॉलो किया, देखिए उनकी वीडियो, उनको फॉलो किया अरसलान भाई को, उनकी वीडियोस वगैरह कुछ देखी, उनसे थोड़ा इम्प्रेस हुई। अच्छा, एमन इश्तमाशा, एमन के साथ थी आप? एमन वो सीरियस कैरेक्टर बहुत अच्छा कर लेती हैं। उनसे क्या सीखा, क्या मुझे ये बताओ? उनसे ये सीखा, उनसे रोना बहुत अच्छा सीखा। अच्छा, कैसे रोते, टिप्स इनके कैरेक्टर में आने के लिए? कैरेक्टर में आने के लिए आप जहन में एक चीज़ रख लो, जो आपको थोड़ी अपनी लाइफ में थोड़ी वो लगती है कि मुझे अब यहाँ आके थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे। दैट्स गुड, आई लाइक इट। अच्छा, उसके अलावा आप सनम बलोच के साथ? सनम बलोच खास में उनसे वो बहुत अच्छा घुलती मिलती हैं, ऐसे ही सब लोगों से ऐसे ही घुलना मिलना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी प्रैक्टिकल टिप्स पिक कर रही हैं अरीशा, मैं देख रही हूँ। आई लाइक इट, मैं भी ये चीज़ें पिक कर रही हूँ अरीशा से। राबिया भट्ट, राबिया भट्ट, हाँ, सुतेली मामता में ना, वो बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं। अच्छा, उनकी अपनी भी तो काफ़ी बहनें हैं ना। अच्छा, तो क्या ट्रीट करती थी? अच्छा, वो अक्सर सेट पे आओ तो वो कहती थी कितना प्यारी है, एक्टिंग करती हो तो इतनी प्यारी हो, क्यूट क्यूट ऐसे करती थी। तो बिल्कुल कंफर्टेबल कर देती थी आपको? कंफर्टेबल करती। और अस्मा अब्बास के साथ? अस्मा, उनका तो ना पूछे ना, वो अपने कैरेक्टर में इतना अच्छा, तो वो मिर्ची को भी बिल्कुल बेबे और मिर्ची बन के ट्रीट करती थी। अच्छा, ऑफ द कैमरा भी, ऑफ द कैमरा भी उसी तरीके से बात कर रही है, उसी तरीके से। हाँ, तो फिर मज़ेदार चलती रहती होगी आप लोगों की। अच्छा, सबा फैसल के साथ आपने इश्तमाशा में, उनके साथ तो बहुत आपके साथ सीन थे, उनसे क्या सीखा, वो कैसा करती थी ट्रीट? मेरे साथ ना सब अच्छे ही रहते हैं, मतलब मैं इतना वो नहीं करती, बस ठीक नॉर्मल इस तरह ही रहती हूँ, तो वो अच्छी हैं, वो भी अच्छी हैं, वो भी बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं। ओके, ये बताओ क्या बेस्ट पार्ट है और क्या बुरी बात लगती है आपको फेमस होने की या इतना पब्लिक फिगर होने की, क्या चीज़ आपको? बेस्ट पार्ट तो ये लगती है कि आपको जब मामा बाबा से दुआ मिल रही होती है तो आप एक, आपको अच्छा लग रहा होता है, तो इस तरह जब आपको आपके फैन से दुआ मिल रही होती है तो आपको वो मूवमेंट बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद बुरी पार्ट ये लगता है कि आप डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके, ये वाला होता है। वो आप क्यों कह रही हो? वो मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं वैसे और लोगों के लिए कह रही हूँ, ये होता है, आप ना वो करें, ये एक एक्टिंग है, एक ड्रामा है, आप एक एज अ ड्रामा प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप समझें कि ये ड्रामा ही है। हाँ, सही बात है। ये बताओ, जब आप सेट पे जाती हो, मोस्टली आप यंगेस्ट कैरेक्टर होती हो या यंगेस्ट एक्टर होती हो, तो फ़र्क होता है डील करने में? अच्छा, ये छोटी है, इसकी ड्रेसिंग भी सबसे लास्ट में, मेकअप भी लास्ट में, इसको हम सीन भी अभी वेट कर लो, ऐसी ट्रीटमेंट होती है कभी कभी? कभी कभी होता है यार, अच्छा पहले तो इन लोगों का होगा फिर मेरी बारी होगी, ऐसा कभी हो जाता था? ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था मेरे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, या सबको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, बहुत, मतलब बच्चों के साथ तो वैसे ही आप सब अच्छे ही हो जाते हो। नहीं, मेरा मतलब था कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्ची हैं तो अच्छा इनकी चीज़ हम जरा थोड़ी देर में बाकी थोड़ी देर में करते हैं, यू नो, ये लोग वेट कर लेंगे अक्सर। वो नहीं, वो मुझे भी अच्छा लगता है, ये बात होनी चाहिए कि जब क्लोजअप्स हो रहे होते हैं तो
पहले आप बड़ों का कर लो, फिर अच्छा। हम तो वेट कर सकते हैं ना, हमारा तो इतना स्टैमिना है कि आप बैठ जाओ लाइट्स वगैरह में, थोड़ा हो जाता। क्या बात है अरीशा, तो मतलब कहीं से मुझे ना पकड़ने नहीं दे रही है अरीशा, यहाँ से भी छक्के पे छक्का लगा रही है अरीशा, क्या बात है भाई। सेट पे बोर हो जाती हो, क्या करती हो सेट पे, हाउ डू यू एंटरटेन योरसेल्फ, क्योंकि आपकी तो एज के लोग नहीं होते, नहीं होते हैं, सब लोग माशाल्लाह से आपसे थोड़े बड़े ही हैं, तो क्या करती थी? मैं अपनी जो मेरी छोटी बहन है वो मेरे साथ जाती थी, तो उसके साथ उधर भी फाइटिंग ही हो रही होती थी हमारी अक्सर, मैं उनके साथ ही बैठी होती थी, उनसे बातें, उनकी उनकी और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है और फाइटिंग भी है। जी जी जी, बहन और मामा, मामा से बहुत सारी बातें करती थी। क्या बातें करती हूँ मामा से? मैं मामा से बहुत सारी बातें करती हूँ, जो मैंने सारी बातें सीखी अपनी मामा से ही सीखी हैं। मामा को सब कुछ बताती थी? मामा इज योर बेस्ट फ्रेंड? मामा इज माय बेस्ट फ्रेंड। वाओ, दैट्स सो, फर्स्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट, माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी आप थोड़ा अरसा इसको स्किप करना चाहती हो, बट ये तो एक लाइक प्रिविलेज है ना जो बहुत कम लोगों को मिलता है। जी जी, आपको लगता है कभी कभी कि आप इस चीज़ को अपने हाथ से जाने दे रही हो, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दोगी, या आपको लगता है कि नहीं? मुझे लगता है कि मैं ब्रेक भी नहीं दे रही हूँ, मतलब मैं इसको स्किप ही कर दूंगी, या आगे जाके कुछ भी हो सकता है ना, ये तो प्लानर तो ऊपर हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है, आप खुद कुछ प्लान ना करो बस, अब आप आगे, अभी तो मिर्ची को आप याद रखें, फिर आप आगे भी देखिएगा, आई डोंट नो क्या, बस मिर्ची को याद रखिएगा। अच्छा बताओ डीएम में कौन सा सबसे फनी मैसेज, या कोई मैसेज आया फनी मैसेज सबसे कौन सा ज्यादा आया, और कोई एक मैसेज जो आपके दिल को बड़ा अच्छा लगा? वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो दुआ होती है वो तो बहुत अच्छी लगती है, और फनी ये होता है कि जो अक्सर मीम्स बन रही होती है ना कि फप्पे कुटनी टाइप ये वाली, तो ये बहुत मतलब मजा आता है इसको, ठीक है, गुस्सा नहीं आता इसमें, कहती हूँ कैरेक्टर है तो क्या हो गया। आई लाइक योर एटीट्यूड कि आप उस चीज़ को दिल पे नहीं ले रही हो, अगर कभी किसी ने कुछ बोला भी और मीम्स भी निकाल ली हैं, और आप पॉजिटिवली उसको लेके चल रही हो। ये बताएं कि सेट पे सबसे ज़्यादा चाय कौन पीता था? सबसे ज़्यादा चाय, सबसे ज़्यादा चाय वैसे तो ऑफ कैमरा ही सब पी रहे होते थे। ऑफ कैमरा ही सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा चाय पीती हो? नहीं, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। चाय मामा के हाथ की अच्छी लगती है बस, और कॉफ़ी अपने हाथ की। क्या बात है भाई, क्या बात है। टेल मी अबाउट योर बुक, कौन सी बुक्स फेवरेट हैं आपकी, क्या पढ़ती हो? बुक्स पहले भी मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया, हैरी पॉटर बहुत मतलब अच्छी भी लगती है, थोड़ी इरिटेटिंग भी लगती है। क्यों इरिटेटिंग लगती है? हैरी पॉटर तो बहुत मजे की है, वो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर उसके हर पार्ट पढ़ना पड़ता है आपको। अच्छा, तो आप उसमें फंस जाती हो कि नहीं भी जाना है लेकिन पढ़ना भी है, क्या होगा क्या? जी 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 जी, अब आप पिछले वाली स्टोरी याद रखो तो उसको थोड़ा लेके बैलेंस करना पड़ता है। हाँ ये तो है, वो पूरा पीछे से याद रखना पड़ता है किसने क्या किया, कब क्या किया। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट और काफी अरसे वो चलता है, और बहुत से लेकिन आप पढ़ो, अच्छी है वो, मैं भी कोशिश करूंगी, मेरी कोशिश रहेगी। हाँ पूरी पढ़ ली है? 7 की 7? नहीं 7 की नहीं, अब मैं 5th पे हूँ। अच्छा, ओके, गॉबलेट ऑफ फायर, गॉबलेट ऑफ फायर, या आई थिंक 5th है या 4th है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। अर्तुरुल देख रही हैं आप आजकल? अर्तुरुल देख रही हूँ मैं आजकल। तो अर्तुरुल में कैरेक्टर ऑफर होता तो कौन सा करती? मैं कौन सा करती? असलेहान, हलीमा भी अच्छी है, बट हलीमा सब वो बन रहा है आजकल। हाँ मैं भी ये कह रही थी, कोई असलेहान भी अच्छी है।